वाइड हो जाए ऐसा हो जाएगी। हाँ थोड़ा जगह दे दो उनको सबको। क्या कहना चाहिए मैम पापा के दरबार में आए हुए? बहुत सुंदर दर्शन थे पापा के। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला पापा के दर्शन करने का, परेल के राजपति का दर्शन करने का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और पापा की ब्लेसिंग्स है जो यहाँ पर आज हम आ पाए हैं, हमारा सौभाग्य है। और इतना सुंदर विग्रह है वहाँ पे और देख के एकदम अजीब सा अलग सा। देखा जाए तो पूरा जीव परिवार यहाँ आ रहा है, तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहिए? यही कहूँगी कि पापा के आशीर्वाद जी टीवी के सारे किरदारों पर रहे और हम बहुत ही अच्छे अच्छे टीआरपी लाए, बहुत अच्छे अच्छे शोज लाए कि हमारी जो ऑडियंस है उनको हम खुश कर सकें, उनको जो कुछ चाहिए वी कैन मेक देम हैप्पी। कितना पॉजिटिव वाइब्स मिलता है यहाँ आने के बाद? बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, अंदर जाके ही बहुत अच्छा लगा है। वो जैसे तैसे आंसू को कंट्रोल किया निकलना चाहे, पर हाँ बहुत अच्छा लगा। और के सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो पापा की पैसे लेने के लिए, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें और आप लोगों को एंटरटेन कर सकें, आप लोग हमारा प्रोग्राम अच्छा शो भी अच्छा काम चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये तो काफ़ी पापा का आशीर्वाद है, ऑडियंस का प्यार है, प्यार है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और आगे भी क्या कुछ आने वाले हैं? जी ऑफ कोर्स आने वाले हैं बहुत है। मैंने तो पापा से प्रार्थना कर ली कि मेरी रिम जिम की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, रस्सी जो हो जाए मेरी बेटी की शादी। और मैंने तो प्रार्थना कर ली है कि कैसे भी करके मुझे शिव शक्ति को अलग करना है। ऑन स्क्रीन काफ़ी देखा जाए तो फिर निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव में है, कुछ भी कुछ में लगती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग है? ऑफ स्क्रीन आई थिंक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। क्या कहना चाहेंगे फाइनली फैंस के लिए? फैंस के लिए बस यही करना चाहूँगी कि हम बहुत मेहनत करते हैं, आई होप आप हमारा शो देखते रहें और यू नो हमें पसंद करते रहें जैसे कि करते आए हैं। और बस बाकी तो पापा जाने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।